हेलो गुड मॉर्निंग, मैं सवाज सक्तन से मिलने आया हूँ, क्या वो यहाँ पे डॉक्टर हैं? जी हाँ, वो सेकंड फ्लोर पर है गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में, आगे जाकर लेफ्ट ले लीजिए आप। ओके थैंक यू। यू आर वेलकम। डॉक्टर सवा, सबने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, रिपोर्ट तैयार होते ही मैं आपको बता दूंगी। सवास, ये रिपोर्ट्स जरा एक बार देख लेना। ठीक है। अरे ये क्या लिखा हुआ है? कहां पर? अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल लग जाएंगे और ये रिपोर्ट खत्म नहीं होगी। हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। प्रोसीजर्स के बारे में मुझे भी पता है, क्या समझते हो तुम खुद को? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? बदतमीज कहीं के जब जो मन में आता है बोलते रहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। बारिश, तुमसे कुछ बात करनी थी। ये बताओ आखिर कब तक तुम यहां आते रहोगे? हाँ अच्छा तो ये बात है, तो ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि हम यहाँ बार बार क्यों आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि बहुत आसान है लोगों को धोखा देना, हा? उनके साथ बदतमीजी करना? मेरी बात सुनो तूफान, मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया, और क्या सुनना चाहते हो तुम? और क्या है तुम्हारे दिमाग में? बरिस, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुम एक धोखेबाज हो। देखो मेरी तरफ और सच को एक्सेप्ट करो। मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें रिश्ते नाते समझ में नहीं आते। तूफान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, समझ गए? मैं एक डॉक्टर हूँ, ये अस्पताल है और यहाँ काफी सीरियस पेशेंट्स हैं और तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। चलो घर जाओ। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है, तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया है मैंने, और तुमने फिलिस के साथ इतना घटिया किया। फिर क्यों मुझ पर भरोसा किया, बोलो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ सिर्फ मैं करते रहते हो। मैं आकर तुम लोगों की जिंदगी ठीक कर देता, हाँ? क्या मैं वहाँ खुश रह पाता? मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, मैंने फायदा उठाया, समझ गए? मैंने धोखा दिया और मुझे ये सब करके बहुत मजा आया, समझ गए? अब निकल जाओ यहाँ से। घिन आती है मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। उसने जोर से ऐसे भी कोई मारता है? सवास, हाँ जी बोलिए चीफ। क्या चल रहा है यहाँ पर? बस एक गलत फहमी हो गई थी, किसी पेशेंट का रिलेटिव था और वो काफी गुस्से में था, बस इसीलिए मार दिया होगा। तुम्हारी गलत फहमी के किस्सों से मैं तंग आ चुका हूँ। अस्पताल में इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना ठीक है क्या? अपना कैबिन जल्द से जल्द खाली कर दो,